स्थिति में है, हमारे सरपंच है, पंचीज है, करेंगे जब शायद टाइम आ जाए। कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद के कारण जो भ्रष्टाचार के दलदल में जम्मू कश्मीर फंस गया था, उसे आज जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिली है। मैं एक उदाहरण देकर बतलाना चाहता हूं, 2004 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र से 2.77 यानी कि 3,00,000 करोड़ रुपया आया, लेकिन जम्मू कश्मीर फिर भी बदहाल है। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना सड़कें हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं। इसका कारण ये था, जो पैसा केंद्र से आता था, बारी बारी से 3 परिवार उसको हजम कर जाते थे। एक गांधी परिवार, एक मुफ्ती परिवार और एक अब्दुल्ला परिवार। और यहां के भोले वाले लोगों को बार बार भड़का करके राज बनाने का काम करते थे। यहां का नौजवान नौकरियों के लिए भटकता, ये जम्मू कश्मीर के लोग इलाज के लिए दिल्ली लुधियाना कहां कहां जाते रहे। मैं विधानसभा के चुनाव में आया था और जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता था, रास्ते नहीं थे, एक गांव में जाने जाने में आज भी घंटों घंटों लगते हैं। 5 किलोमीटर का सफर करो तो घंटों से ज्यादा तय करना पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर की हालत किसके कारण हुई? इन 3 परिवारों के कारण, और धारा 370 और 35।